सहारनपुर में खनन के चलते अब खनन की गाड़ी जिन पर सहारनपुर में केवल एक ही चेकिंग पॉइंट पर चेक की जाएगी। खनन परिवहन करने वाले वाहन चालकों को चेकिंग के नाम पर जगह जगह रोक पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तहसील स्तर और पुलिस विभाग के द्वारा 24 घंटे खनन की गाड़ियों पर निगाह रखी जाएगी। जो है अवैध खनन और अवैध परिवहन, दो यहाँ पर समस्याएं हैं। इसको जो रखते हुए हम लोगों ने पांच जो सेंसिटिव पॉइंट हैं, उन पांच सेंसिटिव पॉइंट्स पर तहसील और पुलिस दोनों की ज्वाइंट टीम 24 घंटे रहेगी। 8-8 घंटे की शिफ्ट है, तो वो जो भी वहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी, सभी गाड़ियों को इस दृष्टि से उसको चेक करेंगी कि उनके पास रवन्ना है कि नहीं है, और कहीं ओवरलोडिंग की शिकायत तो नहीं है। दोनों बिंदुओं पर उसको चेक करेगी, ताकि एक समस्या थी कि जनपद सहारनपुर में एक जैसे गाड़ी चलती थी तो उसको बार बार चेक करने की शिकायत थी, तो उसको शिकायत को जो है दूर करने के लिए केवल एक बार उसको हम लोग एक पॉइंट पर चेक कराएंगे, और चेकिंग के लिए पुलिस और जो है तहसील दोनों का स्टाफ जो है रहेगा, और आवश्यकता अनुसार खनन विभाग की जहां पर जो है जरूरत हम लोग महसूस करेंगे, टीम महसूस करेगी, उसको तुरंत हम लोग बुला सकते हैं। सर, हरियाणा से जो वैध खनन भी आ रहा है, हरियाणा से वैध खनन भी आता है, उसके लिए ये शिकायत एक बहुत बड़ी रही कि पड़ोसी राज्य के लोग अवैध खनन करते हैं। नहीं, जो भी है, ये जो जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट जैसे वहाँ पर है आपका सरसावां है, चिल्काना है, बेहट है, बिहारीगढ़ है, देवबंद है, तो ये पॉइंट इस तरह से हैं कि सारी, चाहे वो हरियाणा का जो परिवहन हो, चाहे वो उत्तराखंड का जो परिवहन हो, या यहाँ लोकल परिवहन हो, तीनों तरीके के परिवहन पर हम लोग इसमें प्रभावी चेकिंग और प्रभावी अंकुश लगाएंगे, और किसी को इस तरह की शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब इस बार पुलिस और प्रशासन इकट्ठा टीम मिलाकर बनकर काम करेगी, मतलब टीम इकट्ठा रहेगी, ताकि जो है चूँकि जो भी यहाँ पर क्रशर मालिक हैं, क्रशर यूनियंस हैं, वो भी इस तरह की शिकायत करते हैं है कि साहब उनको चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उसकी भी शिकायत ना हो, ताकि उत्पीड़न की भी शिकायत ना हो, और हम लोग जो है सामूहिक रूप से उसको चेकिंग कराएंगे इसमें।